तो कीवर्ड के एंटी बैन वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, बता देता हूँ कैसे करना है। सब जाओ सर्च में, सर्च में यहाँ पे इस पर क्लिक करो। मतलब ये मैं आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। आप सोच रहे हो मैंने अदर क्यों कराया, क्योंकि मेरा कस्टमर हूँ मैं, इसलिए आपको सी अलाउ करना है, बट मेरा कस्टमर है तो मैं ओ अदर करके रखूँगा, ठीक है। सो इसके बाद आपको जाना है सर्च में, एंड एक में वैल्यू दूँगा, उसको सर्च करना है, एंड उसको करना है कीवर्ड में सर्च, न्यू सर्च में करना है। न्यू सर्च करने के बाद आपको एक वैल्यू ढूंढनी है जिसमें एंडिंग लिखा हो और 3 बार R0 R0 R0, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ढूंढ कर, जैसे ये वैल्यू आ रही है सामने, ठीक है। ऐसे टाइप की वैल्यू लेनी है, तो आपको ऐसी रे मत लेना है, आपको पहले इसके एड्रेस में जाना है, ठीक है। एड्रेस में जाने के बाद आपको यहाँ से फ़िल्टर कॉपी कर लेना है, फ़िल्टर कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड ये पेश कर देना ताकि हमको ऐसी टाइप की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से उसी वैल्यू पे जाता हूँ। तो अब एंटी पेन वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एंडेक्स R0 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 होना चाहिए, डीवर्ड 0 फ्लोट 0, एंड जो कीवर्ड है या तो 15 डिजिट का होना चाहिए या फिर 18 डिजिट का, ओके। सो एंड ये है, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट पार्ट, लास्ट चीज़ है देखने की, वो है हमारा ये। आपको यहाँ से जाके कि EEE इसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये येलो येलो दिख रहा होगा 1.3, तो जैसे फ्लोट में होता है ना कि डीवर्ड में फ्लोट 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी ऐसा है कि जो हमारा डबल है वो 1 पॉइंट से या मतलब 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट हो तो ठीक है। तो इसको हम कर देंगे सेफ, एंड यहाँ से एक वैल्यू और आई है इसके, मैं एड्रेस में जाके देख लेता हूँ। एड्रेस में नहीं आ रहा, मैं सेव कर देता हूँ, बाकी आप ध्यान से करना सेफ। सॉरी, सेम वैल्यू, दूसरी वैल्यू लेते हैं, इसके एड्रेस में जाके देखते हैं। तो ये भी बढ़िया है, सेव कर लेते हैं। आपको वैल्यू ज़्यादा लेनी है जितनी ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। इससे आपको न्यू वैल्यूज आएंगी, पुरानी वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। एंड उसको कॉपी करके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, रिज़ल्ट कितना आ रहा है, न्यू सर्च कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट हमारा 11 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर सकते हो। तो यही मेथड है कीवर्ड की वैल्यूज़ निकालने का, ओके। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। इंडेक्स R0 R0 कीवर्ड 15 डिजिट या 18 डिजिट की होनी चाहिए, एंड जो हमारा वो है डबल, वो 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस यही है। और ख़त्म होता है हमारा यहाँ ये पार्ट, ओके। सो बाय।